के कलेक्टर वेंकटराम रेड्डी आज कलेक्टर के ओहदे से अपना इस्तीफा पेश कर दिया है। इन्होंने चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार से मुलाकात करते हुए अपने इस्तीफा का मकतूब हवाले कर दिया। बताया जाता है कि वेंकटराम रेड्डी बहुत जल्द टीआरएस पार्टी में शामिल होने वाले हैं और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव इन्हें काउंसिल कारकुन बनाने का इरादा रखते हैं। मरकजी हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जिसकी फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 नवंबर मुकर्रर की गई थी। वाज रहे के दरख्वास्तों की कम तादाद में वसूली वो पूरे हिंदुस्तान में कोविड के सबब पैदा हुए हालात जहां पर हर रियासत में स्कूल्स और कॉलेजेस की कुशादगी एक वक्त पर न आने व दीगर वजूहात के सबब अब तारीख में तौसी करते हुए 30 नवंबर तक किया गया है। इस मौके पर तुलबा से अपील की जाती है कि वो कसीर तादाद में दरख्वास्तें दाखिल करें। सऊदी अरब की विजारत हज उमरा ने सऊदी अथॉरिटी फॉर डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ताउन से एक नई सर्विस मुतारफ कराई है जिसमें ममलिका से बाहर से आने वाले जायरीन को मस्जिद हरम और मस्जिद नबी में उमरा और नमाज अदा करने के लिए एप्स के जरिए इजाजत नामा जारी करने का फैसला किया गया है। जुमा को एक बयान में विजारत हज ने कहा की ये सर्विस खुदूम प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर होने और ममलिकत में पहुँचने के बाद एतमरना और तवक्लना की एप्स पर मौसूर होगी। इन दोनों एप्स में से किसी एक पर उमरे की इजाजत नामे की तस्दीक की जा सकेगी। सऊदी अरब में हज व उमरे की वजारत ने कबलजी इस बात पर जोर दिया था कि मस्जिद हरम में उमरा और नमाज अदा करने और मस्जिद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत के लिए इजाजत नामे का अजर इन लोगों तक महदूद रखा जाए जिन्हें कोरोना वायरस वैक्सीन की दो खुराकें दी गई हों। सऊदी अरब में वैक्सीन की मंजूरी दी गई है। कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज ने फैसला किया कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट CLAT का आइंदा साल दो मरतबा इनेकाद अमल में आएगा। CLAT 2022 का 8 मई 2022 को जबकि CLAT 2023 का 18 दिसंबर 2022 को इनेकाद अमल में आएगा। कंसोर्टियम की सालाना आमला कमेटी और जनरल बॉडी इजलास में किया गया जो प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा की सदारत में नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में मुनाकिद हुआ। कंसोर्टियम सेक्रेटरी प्रोफेसर सुधीर कृष्णा स्वामी ने बताया कि आंदा साल दो बार ये टेस्ट मुनाकिद किया जाएगा। इसके अलावा कंसोर्टियम ने काउंसलिंग फीस को 50,000 रुपए से घटाकर 30,000 रुपए करने का फैसला किया। STSC और BC BCE WS PWD और दूसरे तहफात वाले उम्मीदवारों के लिए फीस 20,000 रुपए होगी। रियासत आंध्र प्रदेश में एक बार फिर कोरोना के केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। दो दिन पहले 156 पॉजिटिव केस दर्ज किए गए थे जबकि कल कोरोना के 262 नए केसेस सामने आए। ये बात रियासती महकमे सेहत की जानिब से बताई गई है। रियासत में इस वक्त 3,128 फॉल केसेस है जबकि कल 247 अफराद आलमी वबा से रूबे सेहत हुए है। बीवी और ससुराल वालों के जुल्म से तंग आकर हैदराबाद में नौजवान की खुदकुशी। हैदराबाद में एक शख्स ने बीवी और ससुराल वालों की हरासानी से तंग आकर खुदकुशी कर ली। 36 साल संतोष साकिन शेख पेट की शादी कल्याणा नामे खातून से हुई थी। बीवी की हरासानी के खिलाफ वो पुलिस से रुजू हुआ था जहां इनकी काउंसलिंग की गई। खबलाजी इसने 3 मरतबा जान देने की कोशिश की थी। जुमा की रात देर गए इसने सेलफोन में वीडियो रिकॉर्ड करके जहर पी लिया। इसने बताया कि वो बीवी और ससुराल वालों के जुल्म से तंग आ चुका है और ये इंतहाई इकदाम कर रहा है। गोलकुंडा पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है।
बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुलहिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ से सवाल किया कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ या 2014 में आज़ाद हुआ। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज अजीमगढ़ में मजलिस के एक जबरदस्त जलसेआम से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। जलसे में मजलिस त्रिपुरा में दो खातून सहाफी जेर हिरासत। त्रिपुरा में तशद्दुद के वाकयात की रिपोर्टिंग करने वाली दो खातून सहाफियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। विश्व हिंदू परिषद के एक हामी की शिकायत पर FIR में दोनों का नाम शामिल किया गया है। खातून सहाफियों स्मृति साकोनिया और स्वर्णा झा ने इल्जाम आयद किया कि पुलिस आज सुबह इनके होटल पहुंची और इन्हें धमकी दी गई। शिकायत में इन पर दो तबकात के दरमियान मजहबी बुनियादों पर दुश्मनी को बढ़ावा देने और मुजरिमाना साजिश के दिफात के तहत इल्जाम आयद किए गए हैं। खातून सहाफियों ने बताया कि इन्हें होटल छोड़ने की इजाजत नहीं दी गई, जबकि इन्होंने मुकम्मल ताउन किया है और होटल के बाहर पुलिस को तैनात कर दिया गया। दूसरी तरफ जराय का दावा है कि पुलिस ने इन्हें 21 नवंबर को पूछताछ के लिए आने की नोटिस दी है। यहाँ ये तस्करा बेजान ना होगा कि रियासत त्रिपुरा में गुज़िश्ता दिनों हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से मुसलमानों के खिलाफ पुरतशद्दुद वाकयात पेश आए थे। इस दौरान हिंदू इंतहा पसंदों ने कई मस्जिद की बेहरमती की और मुसलमानों की को नुकसान पहुंचाया था। पुलिस की जानिब से मुसलमानों के खिलाफ पुरतशद्दुद वाकयात की तर्दीद की गई थी।